जी बेटा प्लस टू आ तो डा फिजिकल एजुकेशन दा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ ये 3 नंबर दा ते इदा 51 पेज आ एपी वाली बुक आ मेरे को ते ए हैगा क्वेश्चन नंबर 3 क्रियाशील गर्माउण तो की भाव है इस नू किड़े दो भागा विच वंडिया गया है क्रियाशील गर्माउणा यानी एक्टिव करना एक्टिव वार्मिंग अप उस बंदे नू खेड वास्ते एकदम फौरी तौर पर तैयार कर देना क्रियाशील गर्माउण विच खिडारी कसरत नाल अपनिया मांसपेशियां अते शरीरक कार्य प्रणालियां कड़ियाँ दिमाग की प्रणाली आ कंट्रोल एंड कोआर्डीनेशन की आ ते हार्ट की जड़ी आ वह सर्कुलेशन सिस्टम की प्रणाली आ मैसुलर सिस्टम की प्रणाली आ ये शरीरक कार्य प्रणालियां जिहड़ियां मांसपेशियां वगैरह दियां आ उन्हां नूं खेडण लई बिल्कुल तैयार करना आ इस ये क्रिया मुकाबले की तीव्रता के अनुसार जिस तरह का मुकाबला होवे जानी जिस तरह के मुकाबले वास्ते असीं उन्हूं फौरी तौर पर तैयार करना उहदे लई उन्ना टाइम असीं दे सकदे आ यानी इहदी तीव्रता अनुसार 10 मिनट तो लैके 30 मिनट तक की हो सकती आ जिवें इस दे नां तो ही स्पष्ट है कि इस विच खिडारी वख वख क्रियावां करदा होया शरीर नूं गर्म करदा है अते आपदा लैवल जिहड़ा वह खेड विच बिल्कुल दौड़न वास्ते बिल्कुल कुछ भी करन वास्ते उहदा लैवल जिहड़ा वह लैवल उहदा आ जांदा उहदी दिल की धड़कन उन्नी हो जांदी आ जिन्ना उहनूं उत्थे बिल्कुल जोश नाल काम करन वास्ते मदद कर सकदी आ क्रियाशील गर्माउण नूं अगे दो भागां विच वंडिया गया है आम गर्माउण विच हल्कियां कसरतां जिवें जंपिंग बाहां दियां कसरतां लत्तां दियां कसरतां लक दियां कसरतां आदि भाव पूरे शरीर दियां कसरतां कीतियां जांदियां हन इस विच पूरे शरीर नूं एक सार गर्माया जांदा है आम गर्माया जिहड़ा सारे शरीर नूं इकट्ठा ही असीं करना आम गर्माउण दी क्रिया हरेक विच लगभग समान हुंदी है खास गर्माउणा ये स्पैशल वार्मिंग अप आ खास गर्माउण दी क्रिया आम गर्माउण दी क्रिया तो बाद कीती जांदी है इस विच खेड दे अनुसार विशेष कसरतां नाल शरीर नूं गर्म कीता जांदा है गर्माउण दी क्रिया विच सिर्फ उन्हां शरीरक अंगां नूं गर्माउण उपर जोर दिता जांदा है जिन्हां अंगां दी लोड़ खेड विच अहम भूमिका हुंदी है जिस तरह हाकी जां फुटबाल असीं लत्तां दी ज़्यादा लोड़ पैंदी आ वॉलीबॉल विच बाहां दी लोड़ पैंदी आ ठीक है ये उन्हां अंगां दी असीं गर्माउणा दी क्रिया करनी आ इस विच इस एक तरह नाल मुकाबले तो पहलां खेड कौंसलां दा अभ्यास कीता जांदा है असीं मानसिक तौर ते भी उन्हां नूं कौंसलिंग करके उन्हां दी तैयारी असीं पूरी करदे आ अगला क्वेश्चन है निष्क्रिया शील गर्माउण तो की भाव है यानी हुण असीं जिहड़े अंग जिहड़े क्रियाशील हो गए सी उन्हां दा निष्क्रियाशील गर्माउण तो भाव जिन्ना बिना कोई कसरत कीत्या शरीर नूं गर्म करना है इस किस्म दे गर्माउण तो वरतों ताकत वालियां खेडां विच भाव भार चुक्कण कुश्ती जूडो कबड्डी आदि खेडां दे खिडारियां वल्लों ज़्यादा कीती जांदी है इस तरीके की वरतों करन नाल खिडारियां दा मनना है कि कसरतां करके शरीर नूं गर्माउण नाल शरीर की ताकत घट जाती है तो मुकाबले दौरान प्रदर्शन जिहड़ा वह प्रभावित हुंदा ते निष्क्रियाशील गर्माउण लई खिडारियां वल्लों कई ढंगां दी वरतों कीती जांदी है जिवें धुप विच बैठ के शरीर नूं गर्म करना चाह कॉफी पी के मालिश करके भाव इशनान करके आदि ते इस विच माहिरां दा मनना है कि निष्क्रियाशील गर्माउण नाल शरीरक मांसपेशियां पूरी तरह मुकाबले लई तैयार नहीं हुंदियां जिस करके खिडारी नूं सट लगण दा खतरा बनिया रहिंदा है सो ये सीगे बेटा क्वेश्चन जिहड़े आ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ इह 3 नंबर का क्वेश्चन है क्रियाशील गर्माउणा ते 3 नंबर का क्वेश्चन है निष्क्रियाशील गर्माउण तो भाव की हैगा ये हैगा विदाउट एक्सरसाइज ये हैगा विद एक्सरसाइज ठीक है ये दो क्वेश्चन थानू मैं करवाते आ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ अगला क्वेश्चन मैं थानू कल नू कराऊंगा ओके okay.